एसपी एसडीओ और एसडीपीओ ने शहर का किया निरीक्षण। 7 बजे बाद खुद दुकानों को कराया बंद। नवगछिया शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज को मद्देनजर रखते हुए पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई। शहर में लोगों की भीड़ न लगे इसको लेकर शनिवार की संध्या समय एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित नवगछिया थाने की पुलिस नवगछिया बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने संध्या 7 तक दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद कर लेने का निर्देश दिया। पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने कई दुकानदारों को मौके पर दुकान खुली पाई जाने पर उसे बंद करवाया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि शहर में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसी स्थिति में व्यापक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। शहर में कोविड-19 के नियमों का 100% पालन करवाया जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार का निर्देश है कि होटल और मेडिकल को छोड़कर बाकी सभी दुकान संध्या 7 तक ही खुली रहेंगी। एसपी ने कहा कि कई दुकानदारों ने संध्या 7 तक अपनी दुकानें बंद कर ली थी, लेकिन कुछ दुकानदार जिनको जानकारी नहीं थी उनकी दुकानें खुली थी जिसे बंद करवा दिया गया। होटल और ढाबा संचालक मास्क लगाकर दुकान पर रहेंगे, सैनिटाइजर की वहां पर व्यवस्था रहेगी। इस संदर्भ में उन्होंने शहर के होटल संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कोविड-19 का पालन करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में बिना कार्य के लोग घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वापस घर जाने की हाथ पैर बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। आपने भी देखा होगा मैक्सिमम दुकानदार मैक्सिमम लोग पहले से दुकान बंद कर दिया था या बंद करने की कोशिश कर रहा था। हमें कहीं भी कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, हमने अनुरोध भी किया, लोग मानते चले गए। अभी आप अपने साथ घूम बाजार घूम रहे थे, लगभग दुकानें बंद हैं, बाजार में बहुत कम लोग हैं। आज की पहला दिन था, बहुत जानकारी नहीं थी, लगातार माइकिंग करवा रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप इसका अनुपालन करें, तभी आप सेफ रह सकते हैं। किस तरह का और आगे इसकी रणनीति बनाई जाएगी? ये लगातार देखिए, एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार जो भी हमारे मजिस्ट्रेट हैं, हमारे गश्ती पार्टी है, हमारे SDPO साहब हैं, SDO साहब हैं, हम स्वयं सभी स्तर के पदाधिकारी लगातार हम लोग फील्ड में घूमते रहेंगे और अनुरोध करते रहेंगे, उन्हें बतावेंगे कि कोरोना क्या है, कितना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ताकि वो खुद निर्णय लें कि हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बिना वजह बाजार में नहीं आए। आपके माध्यम से मेरा यह भी अनुरोध है, इनका बाजार में काम नहीं है, बेवजह चहलकदमी करने नहीं आए। घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, घर के बाहर घूमेंगे संभावना है कि कहीं इन्फेक्शन हो जाए, खतरा बढ़ सकता है। किस तरह का दुकान खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा सर? देखिए 7 बजे तक सारी दुकानें केवल मेडिकल और जो होटल है या ढाबा है रेस्तरा है वो खुला रहेगा, संक्रमण बंद हो जाएगा। लेकिन जो होटल ढाबा वगैरह है उसमें जो कस्टमर आएंगे वो 50% तक ही आएंगे, क्योंकि उसके अलावा उन्हें सारी व्यवस्था वहाँ करनी है, यानी कि जो होटल जो बैठता है मैनेजर हो उसका स्टाफ हो सभी मास्क पहने हुए रहेंगे, ठीक है, बाहर में रखा रहेगा अगर लिक्विड सेंटर है ना उसको हाथ यूज कर ले या साबुन रखे वो हाथ धो ले, ये सारी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ेगी। जो दुकानदार ये व्यवस्था नहीं करेंगे उस दुकानदार पर लीगल एक्शन लेंगे, FIR भी करेंगे। धन्यवाद सर।